Hello and welcome again to the maths class with me Sarika on maths cookies. This is exercise 11.4 and we are starting question number 10. और ये बहुत ही सिंपल है. कौन से चैप्टर का है? पेरिमीटर एंड एरिया, दैट इज चैप्टर नंबर 11. तो देखते हैं क्या करना है. और ये जो लास्ट के टू क्वेश्चंस हैं, ये आपकी एक्सरसाइज के जितनी भी आपकी एक्सरसाइज में कंसेप्ट आए हैं उनको ये क्लियर करें, ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 10 है, इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन. आपको एक रेक्टेंगल गिवन है और ये टू पार्ट्स में डिवाइड है. ये आपका रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ आपको दे रखी है 18 सेंटीमीटर और ब्रेथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर. और यहाँ इन्होंने क्या करा है, एक लाइन ड्रॉ करी है इस तरह से. इसमें ये शेडेड पोर्शन इन्होंने कर दिया है और बोल रहे हैं कि इसका आपको एरिया निकालना है. ये शेडेड पोर्शन है, इसका आपको क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है. तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए उसने कुछ मेजरमेंट्स गिवन करी है आपको. दैट इज ये यहाँ तक 10 सेंटीमीटर है और यहाँ तक आपका 8 सेंटीमीटर है और इसी तरह से यहाँ तक आपका ये 6 सेंटीमीटर है और नीचे आपका 4 सेंटीमीटर है. तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको ये कैसा दिखाई देगा. एक अगर इसको मैं थोड़ा सा ट्विस्ट कर दूं, ठीक है, इस रेक्टेंगल को अगर मैं इस तरह से बना दूं, ये मैंने बना दिया रेक्टेंगल, ठीक है जी, तो ये कैसा दिखाई देगा आपको. अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो ये कैसा दिखाई देगा आपको, ऐसा दिखाई देगा, ठीक है, ये दिखाई देगा आपको और ये आपका शेडेड पोर्शन बन जाएगा. तो जिसमें ये जो आपकी लेंथ आई है, दिस इज 18 और ये आएगा आपके पास 10. तो यहाँ तक आपके पास क्या है, यहाँ तक आपके पास है 4 सेंटीमीटर और ये आपके पास 6 सेंटीमीटर, दैट इज ये आपके पास आ जाएगा 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, ठीक है. यहाँ अगर आप देखो तो आपके पास दो ट्राइंगल नजर आ रहे हैं, एक ये नजर आ रहा है, एक ये नजर आ रहा है, ठीक है, दो ट्राइंगल नजर आ रहे हैं. तो हमें पता है हम ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर चुके हैं. तो हमें करना क्या है, बेसिकली इसमें क्या करना है, आपको सबसे पहले एरिया निकालिए जो आपका मेन फिगर है. मेन फिगर आपके पास क्या है, रेक्टेंगल है. तो रेक्टेंगल का एरिया निकाल लीजिए, फिर आपने इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया निकाल लेंगे और उनको क्या करें, माइनस कर देंगे भाई, ताकि हमारे जो शेडेड पोर्शन है वो आ जाए. तो देखते हैं कैसे करना है, ठीक है. तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, दिस इज 10th पोर्शन, हम निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है. एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ. इसको नाम दे दो वरना गड़बड़ हो जाएगी. ये आ जाएगा आपके पास ए बी सी डी ई एफ और जी, ठीक है. ये आपका रेक्टेंगल जो है इसको हमने दिया है ए बी सी डी, ये निकालना है मुझे. तो इसमें आपके पास लेंथ है 18 सेंटीमीटर और ब्रेथ है आपके पास 10 सेंटीमीटर. तो यहाँ से हम ए वन निकाल लेते हैं, इसको ए वन दे देते हैं, दैट इज 18 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 10 सेंटीमीटर. ये आ जाएगा आपके पास ए वन 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका ए वन आ गया, ठीक है. ये आपका मेन एरिया आ गया, इतना आपके पास एरिया. अब उसने इसको डिवाइड कर दिया. अब यहाँ से अगर हम फर्स्ट ट्राइंगल निकालें, तो फर्स्ट ट्राइंगल निकालने के लिए हमें पता है कि एरिया ऑफ, पहले हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ, नाम देख लो इसका क्या है, जी डी ई या ई डी जी, ई डी जी, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ई डी जी. उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला बनता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. अच्छा, अब उस ट्राइंगल के लिए देखो, ये आपका बेस हो गया, यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, यानी कि ये आपका क्या हो गया, हाइट हो गया. यहाँ 90 डिग्री बन रहा है ना, तो ये हो गया बेस और ये हो गई आपकी उसके पास हाइट. तो हाइट भी मुझे पता है और बेस भी मुझे पता है. तो बेस मेरे पास है 6 सेंटीमीटर और हाइट मेरे पास है 10 सेंटीमीटर. तो हम यहाँ से ए टू निकाल लेते हैं. ए टू इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर. तो ये 2 से कट जाएगा और ए टू आ जाएगा मेरे पास 3 टेंस 30 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, अब हमारे पास ए टू आ चुका है. ए टू क्या है, हमारा जो पहला वाला ट्राइंगल है, ठीक है. अभी हमें क्या निकालना है, हमारा थर्ड वाला, ये जो हमारा सेकंड ट्राइंगल है ना, ये निकालना है.
तो इसके लिए आपके पास ये देखो यहाँ पे बेस गिवन है और ये इसकी हाइट गिवन है। अगर हम यहाँ देखें तो ये आपका बेस हो गया और ये आपकी हाइट हो गई। ठीक है, तो यहाँ से हम एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी जी, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी जी दैट इज ऑल्सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस आपके पास पहले से ही गिवन है 10 सेंटीमीटर का और हाइट आपके पास ऑलरेडी गिवन है 8 सेंटीमीटर की। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा A, इसको हम A3 बोल देते हैं। A3 इज इक्वल टू हाफ इंटू 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 8 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा आपके पास 4। और यहाँ इसको सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज A3 इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई 4 दैट इज 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपके पास A3 आ चुका है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, ये शेडेड पोर्शन निकालना है। तो शेडेड पोर्शन के लिए क्या करेंगे, जो मेन फिगर है उसमें से ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल माइनस कर देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। ठीक है, शेडेड पार्ट निकाल रहे हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास A1, आपके पास मेन फिगर है A1 माइनस A2 माइनस A3, A2 माइनस A3। ठीक है, अभी A1 आपके पास है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, A2 आपके पास आया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर और A3 आया आपके पास 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर और इन दोनों ऐड कर लेते हैं दैट इज 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। 180 में से इसको माइनस कर देते हैं तो मेरे पास ये आ जाता है 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका क्या बनेगा, शेडेड पोर्शन का एरिया बनेगा। ओके, इसका सेकेंड पार्ट जो है वो आपके पास स्क्वायर शेप में है। तो यहाँ हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारा स्क्वायर बन गया और इसको भी इन्होंने डिवाइड करा है। ये आपकी फिगर ड्रॉ हो रही है, ये आपकी फिगर ड्रॉ हो रही है। ठीक है, तो ये आपको निकालना है, ये शेडेड पोर्शन है, ये आपको इतना निकालना है। तो इन्होंने इसको नाम दिया है PQRS। ठीक है, और इसके जो मेजरमेंट्स हैं वो आपके पास है यहाँ तक 10 सेंटीमीटर है और इसको इन्होंने U नाम दिया है और ये भी आपके पास 10 सेंटीमीटर है और ये इतना पूरा जो है ये 20 सेंटीमीटर है, बाकी यहाँ भी इतना 10 सेंटीमीटर का। तो ऑब्वियसली अगर ये स्क्वायर है तो ये 20 है पूरी साइड, तो ये भी इतना पोर्शन भी आपके पास क्या आएगा, 10 सेंटीमीटर का। अगर ये 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर में आके 20 बना रहे तो ये भी आपके पास क्या आएगी, 20 सेंटीमीटर। तो आपको निकालना क्या है, आपको ये शेडेड पोर्शन निकालना है। तो आपके पास कितने ट्राइंगल आपको निकालने हैं, 1, 2 और 3, ये ट्राइंगल्स आपको फाइंड आउट करने हैं। तो जल्दी जल्दी निकालते हैं, सबसे पहले आपकी मेन फिगर जो है वो स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया निकाल लेते हैं। यहाँ लिखते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर दैट इज साइड इंटू साइड। ठीक है, और आपको साइड गिवन है, कितनी साइड गिवन है, 20 सेंटीमीटर की। तो इसको A1 दे देते हैं, A1 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 20 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा आपके पास 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका बन जाएगा A1। इसी तरह से ये A2, A3, A4। ठीक है, तो यहां से हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ, अच्छा नाम देना पड़ेगा इसको और इन्होंने नाम दिया है, यहां से आपके पास U और ये आपके पास है T, तो हम निकाल लेंगे UST या TSU, एरिया ऑफ ट्राइंगल TSU, ये बनेगा आपके पास हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ बेस देखते हैं कितना है, ये बेस बनेगा मेरे पास 10 सेंटीमीटर का और हाइट बनेगी ये भी 10 सेंटीमीटर की बनेगी। तो बेस आपके पास आ गया 10 सेंटीमीटर और हाइट आपके पास आ गई दैट इज ऑल्सो 10 सेंटीमीटर। तो इसको नाम देते हैं A2, ये आ जाएगा आपके पास हाफ इंटू 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 10 सेंटीमीटर, कट हो जाएगा 5 times, तो A2 बन जाएगा आपके पास 5 times 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आ गया A2। इसी तरह से ये सेकेंड वाले ट्राइंगल का निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम दे देते हैं QRU,
या यू आर क्यू, मैंने दे दिया यू आर क्यू, दैट इज ऑल्सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. और बेस इसके लिए क्या बना है, ये भी 10 सेंटीमीटर और ये कितना है 20 सेंटीमीटर. तो ये आ जाएगा आपके पास 10 सेंटीमीटर और हाइट बनेगी आपकी 20 सेंटीमीटर. तो इसको A3 बोल देते हैं. A3 इज इक्वल टू हाफ इंटू 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 20 सेंटीमीटर. ये 5 टाइम्स कट हो जाएगा तो मेरे पास A3 निकलेगा 5 और 20 25 जा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, अभी हमारे पास एक ट्राइंगल और बचा है तो इसके लिए निकाल लेते हैं यहाँ पर एरिया ऑफ, यहाँ से निकाल लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल QPQ या TPQ, TPQ दैट इज ऑल्सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. और यहाँ से बेस बनेगा आपके पास 10 सेंटीमीटर का और हाइट बनेगी आपकी 20 सेंटीमीटर की. तो इसको नाम दे देते हैं A4, दैट इज हाफ इंटू 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 20 सेंटीमीटर. ये 5 टाइम्स कट हो गया तो A4 आ गया आपके पास 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. अभी आपको क्या निकालना है, आपको ये निकालना है. तो आपकी जो मेन फिगर है ना स्क्वायर, उसमें से सारे ट्राइंगल को माइनस कर दीजिए. तो यहाँ लिखते हैं एरिया ऑफ शेडेड पार्ट दैट इज A1 माइनस A2 माइनस A3 माइनस A4. और A1 मेरे पास कितना आया है 400, तो यहां से लिख देते हैं 400 सेंटीमीटर स्क्वायर. A2 कितना आया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर. A3 कितना आया 100 सेंटीमीटर, दैट इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. और A4 अगेन 100 है तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. इन सबको ऐड कर लीजिए, 400 में से माइनस कर देंगे तो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 250 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब इसको 400 में से माइनस कर देते हैं, ये आ गया 0.5 और ये आ जाएगा आपके पास 150 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये जो निकल के आया आपके पास, ये स्क्वायर के अंदर जो शेडेड पोर्शन है ये निकल गया है. और दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट से. ओके, लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 11.4 एंड क्वेश्चन इज ऑल्सो 11th क्वेश्चन. सो फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD. क्वाड्रिलेटरल गिवन है, उसका नाम है ABCD. हियर AC इसको इसने डायगनली कट करा है और जब इसने डायगनली कट करा है, देख लेते हैं फिगर से और इजी हो जाएगा. ये इसने फिगर बनाई है, ये एक आपका क्वाड्रिलेटरल इसने बनाया और ये रेक्टेंगुलर शेप में है तो ये क्वाड्रिलेटरल हो गया आपका. और इसने कहा है इसको डायगनली इसने कट कर दिया है, ये डायगनली कट कर दिया है तो इसको नाम दिया इसने ABCD. ठीक है, तो यहाँ बी से इसने एक लाइन ड्रॉप करी है जो 90 डिग्री बना रही है और ये आपका आ रहा है 3 सेंटीमीटर का. और डी से भी इसने एक लाइन ड्रॉप करी है नीचे डायगनल पे, वो 90 डिग्री ड्रॉ हो रही है. ये N और ये M बोला इसने, ये भी 3 सेंटीमीटर के. और यहाँ से AC जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक दैट इज 22 सेंटीमीटर. अच्छा, निकालना क्या है आपको, निकालना है आपको ABCD इसका पूरा एरिया निकालना है. अगर आप फिगर ध्यान से देखेंगे तो जो ये आपका क्वाड्रिलेटरल है, ये आपका अगर मैं सिर्फ इसको इतना ड्रॉ करूं तो अगर आप देखो तो ये किस शेप में दिखाई दे रहा है, रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है. ठीक है, अब अगर इसने डायगनली इसको कट कर दिया तो आपके पास कैसी शेप आ गई, यहाँ पर दोनों जगह क्या आ गया, एक ट्राइंगल तो आपके पास ये बन रहा है. ठीक है, ये ट्राइंगल बन रहा है और एक ट्राइंगल क्या बन रहा है, एक ट्राइंगल आपका ये बन रहा है. तो एक ट्राइंगल ये हो गया, एक ट्राइंगल ये हो गया. ठीक है, दोनों का देखो बेस सेम है, बेस कितना है 22. जब इसने एक लाइन ड्रॉप करी तो ये आपकी हाइट बन जाएगी, हाइट इसने 3 सेंटीमीटर गिवन करी है और यहाँ से भी इसने हाइट ड्रॉप करी है बेस पर, वो भी 3 सेंटीमीटर है. यानी दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है. ठीक है, निकालना क्या है ABCD. अगर दोनों ट्राइंगल का एरिया निकाल के एड कर दू, जोड़ दू, तो आपके पास एरिया आ जाएगा टोटल फिगर का. तो यही काम हमें करना है. यहाँ लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसका पहले में ए बी
C. A, B, C. ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. बेस आपके पास क्या बनेगा? बेस आपका ये बनेगा 22 सेंटीमीटर. ठीक है, और ये हाइट क्या है इसकी? हाइट आपके पास बीएम है ना, तो ये आपकी बनेगी 3 सेंटीमीटर की, तो ये आ जाएगा 3 सेंटीमीटर. ठीक है, यहां लिख लेते हैं फॉर बी एम. ठीक, तो इसको ए वन दे देते हैं. ए वन आगे आपके पास हाफ इंटू 22 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 3 सेंटीमीटर. ये आ गया 11. ये आ गया आपके पास 11 इंटू 3 दैट इज 33 सेंटीमीटर स्क्वायर ए वन आ गया मेरे पास. अभी ए टू निकालना है. ए टू के लिए ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं. तो ये आ जाएगा आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल. एरिया ऑफ ट्राइंगल आपकी बात लेते हैं ए डी सी. ए डी सी ये ट्राइंगल वन है और ये ट्राइंगल टू है. ठीक है, एडीसी ले लेते हैं. ये भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा. और यहाँ पर बेस क्या है? अगेन बेस 22 सेंटीमीटर का है और हाइट आपके पास अगेन 3 सेंटीमीटर की है. तो यहां से निकाल देते हैं, ये ए टू लिख लेते हैं. हाफ इंटू 22 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 3 सेंटीमीटर. ये 11 से कट हो जाएगा तो ए टू आ जाएगा आपके पास 11 से 33 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, अभी आपको टोटल एरिया निकालना है. तो टोटल एरिया निकालने के लिए ये वाला ट्राइंगल प्लस ये वाला ट्राइंगल यही कर लेते हैं. एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सॉरी एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल दैट इज ए बी सी डी क्या आएगा? ए वन प्लस ए टू दोनों ट्राइंगल्स को ऐड कर देंगे तो ए वन मेरे पास है 33 सेंटीमीटर स्क्वायर और ए टू भी 33 सेंटीमीटर स्क्वायर है. तो अभी दोनों को ऐड करेंगे तो मेरे पास क्या निकल के आएगा? मेरे पास आएगा 66 सेंटीमीटर स्क्वायर. और दिस इज द आंसर ऑफ 11th क्वेश्चन.